अंतर्राष्ट्रीय की नई पार्टी के ऐलान के बाद तुरंत ही बीएचपी के शरद शर्मा ने ये घोषणा कर दी है कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पर हर हिंदू भाई के साथ में हैं, भले हमारा राजनीतिक मंच एक ना हो। इसी मुद्दे पर प्रवीण तोगड़िया जी का क्या कहना है? मेरा कहना है कि हिंदुओं को गौरवमय भविष्य चाहिए। हमारे बच्चों को सस्ती गुणवत्ता युक्त शिक्षा चाहिए, शिक्षा मिलने के बाद रोजगार चाहिए, हमारे स्कूटर में सस्ता पेट्रोल चाहिए, किसानों को योग्य दाम कर मुक्ति चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए और हिंदुओं को काशी मथुरा अयोध्या तीनों का मंदिर और गाय की रक्षा चाहिए। यह विश्वास लेकर हम 1980 से चले थे, जिन पर भरोसा किया उन्होंने भरोसा तोड़ दिया और अब भी आगे कुछ करेंगे दिखता नहीं तो हिंदू समाज अनाथ नहीं रहेगा। हम 100 करोड़ हिंदुओं के बलबूते पर हिंदुओं का गौरवमय भविष्य, समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान लेकर निकलेंगे। हम मुसलमानों का माइनॉरिटी स्टेटस खत्म कर देंगे। 2 से ज्यादा बच्चों पर प्रतिबंध लगाकर मुसलमानों की संख्या नियंत्रित करके दिखाएंगे। चुनाव कौन लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, बहुत बड़ा समय है। हम हिंदुओं की सरकार बनाने के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़े। हम ये मानेंगे पीएम मोदी की सीट से आप, अरे कौन कहां लड़ेगा, अरे ये देश का 100 करोड़ हिंदू में से एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो ऑटो रिक्शा वाला, किसान, मजदूर वह क्यों नहीं बन सकता है? तो अभी जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं क्या उसमें जाएंगे? राज्यों के चुनाव के बारे में नहीं सोचा है, सीधे लोकसभा, लोकसभा की तैयारी। हमारे साथ प्रवीण तोगड़िया थे, ईटीवी भारत के लिए अयोध्या से दिनेश मिश्रा।